Hello friends, good afternoon. This is Dr. Bakul Dev and you are watching Unacademy Studios Placebo, your one-stop solution for NEET as well as AIIMS both. ये जो चैनल है इससे जुड़े रहिए, यहाँ पर है टीम Placebo जिसमें हम 6 लोग आपके लिए डेली 10 टू 12 आवर्स के लाइव सेशंस ले रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स में. आपका पूरा सिलेबस हम कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं पूरे वेरीफाइड और प्रिसाइज कॉन्टेंट के साथ, नोट्स के साथ. तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, जुड़े रहिए इस टीम के साथ में, आपका नीट और एम्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होगा. इस टीम में अमित सर है जो आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं दोपहर 1 बजे शाम 5 बजे, दीपक सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 2 बजे रात 9 बजे, आनंद सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं सुबह 10 बजे शाम 7 बजे, मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे, ऋतु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं शाम 4 बजे और रोहित सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे. दिस इज द बेस्ट अवेलेबल टीम एज ऑफ नाउ फॉर नीट एज वेल एज एम्स. तो सारे सेशंस रूटीनली देखिए, कोई अगर मिस हो जाता है तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन देखिए. जो कंटेंट यहाँ से दिया जा रहा है आपको, उसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी. बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी में से आपका सारा का सारा पेपर आने वाला है. सारा का सारा एग्जाम में जो भी कुछ कंटेंट पूछा जाएगा दैट विल बी फ्रॉम ऑल दीज सेशंस. बच्चों ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो जल्दी से. यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं कंटिन्यूसली, आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा और लिंक सारे सेशंस के सीक्वेंस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे कि जब भी जो भी सेशन देखना हो आप वहाँ से लिंक से उसको सीधे हिट करके उस सेशन पे जा सकते हैं. पर्टिकुलर करना आपको बस ये है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. एप्लीकेशन डाउनलोड करके URL में ये लिंक टाइप कर दीजिए t.me/NEET Placebo और फिर उसके बाद में ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिए. सिंपल, तो आप इस ग्रुप के पार्ट हो जाएंगे. यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, बाकी सब चीज़ें भी यहाँ पर चलती रहती हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़. आप इसका पार्ट बनेंगे तो आपको धीरे 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 वो सारी चीज़ें पता चलेंगी. बच्चों अनअकैडमी प्लस, जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 दिन से अनाउंस कर रहा हूँ सेशंस में, 1st of October से ये सब्सक्रिप्शन फी रिवाइज होने वाला है. तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लो अभी इसी मंथ एंड तक, तो जो लोअर सब्सक्रिप्शन फ़ी है उसी में आपका एनरोलमेंट हो जाए जिससे कि आपको हायर फी पे नहीं करना पड़े. तो जो जो बच्चे डिले करना चाह रहे हैं या कुछ सोच विचार में लगे हुए हैं कि अभी नहीं बाद में, उनको मेरा सजेशन ये है कि जल्दी से कर लो इसको ज्वाइन. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो प्लेटफॉर्म है बच्चों जहाँ आप अगर कंटिन्यूसली 1 साल तक एसोसिएटेड रहे, जुड़े रहे, तो कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है ऐसा कि आपका प्रिपरेशन 100% फुल प्रूफ मैनर में हो जाए. आपका प्रिपरेशन होगा ही अच्छे से. रीज़न उसका यह है कि 40 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर ऑल ओवर इंडिया से इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त पढ़ा रहे हैं. डेली 30+ आवर्स के लाइव सेशंस हो रहे हैं चारों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी. तो आप अपना फेवरेट एजुकेटर, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक, फेवरेट टाइम स्लॉट पिक कर सकते हैं, अपनी फिजिबिलिटी से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, जब चाहें तब कर सकते हैं. 24/7 ये आपके लिए अवेलेबल है. तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली नहीं है. दूसरा, पीरियोडिकली यहां पे क्विज चलती हैं, यूनिट कंप्लीशन पर मेगा क्विज है, सेशन कंप्लीशन पर नोट्स आपको मिल जाते हैं PDF फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड वर्जन्स आप देख सकते हैं, किसी भी एजुकेटर का सेशन अटेंड कर सकते हैं, हर चौथा क्लास डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन होता है और बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन होता है. आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि अक्रॉस द टेबल आप बैठ करके एजुकेटर से पढ़ रहे हैं. तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो बच्चों. और इसको सब्सक्राइब करने का तरीका बड़ा आसान है, ये लर्निंग ऐप डाउनलोड करो. लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के तुरंत बाद आपको नीचे ये प्लस का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही सब्सक्रिप्शन वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा और फिर आपके सामने ये प्लान्स आ जाएंगे बहुत सारे. तो 12-month 1-year सब्सक्रिप्शन प्लान आपको ऑप्ट कर लेना है बच्चों, अगर आप अभी 12th में हैं या आप रिपीट कर रहे हैं. इसका फी अभी इस मंथ एंड तक 25,000 है, उसके बाद ये रिवाइज हो जाएगा. और बकुल 10 रेफरल कोड अगर आपने इस्तेमाल किया बच्चों तो इट विल कम डाउन टू 22,500, ये और भी कम हो जाने वाला है. अगर आप अभी 11th में हैं, यू मस्ट ऑप्ट फॉर 24-month सब्सक्रिप्शन. इसका सब्सक्रिप्शन फी बच्चों और भी कम है, 40,000. कब तक? इस मंथ एंड तक, 1st of October से पहले तक. और ये रेफरल कोड अगर आपने इस्तेमाल किया, दिस 40,000 फी ऑल्सो विल कम डाउन टू 36,000.
दो साल के लिए आपको प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली हैजल फ्री मैनर में स्मूथली चलता रहेगा, सभी सब्जेक्ट्स का मल्टीपल सपोर्ट आपको मिलेगा। तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लो और हम सब आपका वेट कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी। ओके, तो अब सेशन स्टार्ट करें बच्चों। बायोमोलिक्यूल हमारा टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में बहुत से बच्चों ने कहा था इसको स्टार्ट कीजिए, तो हमने स्टार्ट कर दिया है। और मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चे आ गए हैं। हेमराज गुप्ता, कर्मा कौर, शफीउल्लाह, सकीना अंसारी, कृष्ण मोहन, मोहम्मद अब्दुल्ला, तरुण, तनिष्का, काजल, निखिल, विजय, नियोज स्टूडेंट, हिमांशी कश्यप, तनुश्री रॉय, विजय कुमार, अंकित सिंह, मीनल, एलिस, जसवंत, सुमंत, विशाल, एलिस कह रही है सॉरी सर मुझे फीवर था, आपकी लाइव क्लासेस में ज्वाइन नहीं कर पाई। अब ठीक है आपकी तबीयत, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लीजिएगा और कुछ डाउट्स हो तो हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप क्वेश्चंस भेजिएगा मैं बताऊंगा कुछ क्वेरीज अगर हुई तो। तरुण कह रहे हैं जूलॉजी मास्टर हो रही है सर बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिए, हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स आपके बिल्कुल कमांड में आ जाएं, आपके पूरे ग्रिप में आ जाएं और इजीली आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओ। मोहम्मद अजमल, इरम खान, मुकुंद, सोनू दास, निखिल सहगल, सुमित मून, सुधांशु सिंह और भी बहुत सारे बच्चे आ गए हैं अभी क्लास में। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन बच्चों। कल हमने जहां पर ये रोका था, हमारा सेशन कंप्लीट हुआ था, हमने स्टार्च मतलब हम पॉलीसेकेराइड वाले सेक्शन पर आ गए थे जिसमें हमने स्टोरेज पॉलीसेकेराइड पढ़ना स्टार्ट किया था। जैसे कि आपको याद होगा उसमें पहला स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हमने पढ़ा था स्टार्च, जो कि प्लांट्स का प्राइमरी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है और इसके दो फ्रैक्शंस हैं, दैट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड पॉलीमर है, अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड पॉलीमर है, और अगर हम स्टार्च की बात करें तो ये होमो पॉलीसेकेराइड है क्योंकि केवल ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है, एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है। दो तरीके के लिंकेज इसमें है, जहां स्ट्रेट चेन होगा वहां अल्फा 1,4, जहां जहां ब्रांचिंग होगी वहां अल्फा 1,6। आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कल। और ये चार तरीके के ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अपीयर होता है, एक्सेंट्रिक ग्रेन्यूल, कंसेंट्रिक ग्रेन्यूल या फिर कंपाउंड और या फिर डंबल शेप्ड। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा था कि जैसे प्लांट्स में प्राइमरी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड आपका स्टार्च है, वैसे ही एनिमल्स में प्राइमरी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन भी होमो पॉलीसेकेराइड है क्योंकि ये भी ग्लूकोज के ही पॉलीमराइजेशन से बनता है और दो जगह स्टोर होता है बच्चों, एक तो लिवर में कल मैंने बताया था आपको और मसल्स में। तो ये मसल्स कौन से थे, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, लगभग 30,000 ग्लूकोज यूनिट है। लिंकेज इसमें भी वही दो मिलेंगे, अल्फा 1,4, जहां जहां स्ट्रेट चेन होगा, जहां जहां ब्रांचिंग होगी वहां क्या मिलेगा, अल्फा 1,6। आयोडीन के साथ में स्टार्च देता था ब्लू कलर, लेकिन ये देता है ग्लाइकोजन देता है रेड कलर। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुए हैं। अब हम तीसरे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड पर आते हैं, दैट इज इन्यूलिन। इन्यूलिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है बच्चों, इस वजह से क्योंकि इसको हम कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में काम में लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझो आप कि इट इज यूज्ड एंड स्टोर्ड फूड मटेरियल इन रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ फैमिली कंपोजिटी, दैट इज डहलिया। ये डहलिया के रूट्स में और ट्यूबर्स में स्टोर होता है, पहली बात जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो याद रखनी है, ये सबसे छोटा पॉलीसेकेराइड है, स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड। तीसरा, ये फ्रक्टोज से बनता है, मतलब इसकी मोनोमेरिक यूनिट फ्रक्टोज है। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनमें ग्लूकोज सब यूनिट है, ग्लूकोज के मोनोमेरिक यूनिट के पॉलीमराइजेशन से फिर बाद में सारी चीजें बनती हैं, यहां पर क्या है, फ्रक्टोज। और इसका लिंकेज भी बड़ा स्पेसिफिक है, दैट इज β2-1 लिंकेज। आ रही है बात समझ में? एक बात और यहीं पर समझ लीजिए, हमारी बॉडी में
कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे एमाइलेज कहलाते हैं। लेकिन ये एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट कर देते हैं, ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट कर देते हैं, इन्योलिन को नहीं कर पाएंगे, सेल्यूलोज को नहीं कर पाएंगे। उनके रीजन क्या है ये अभी आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है बच्चों इन्योलिन की, कि ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, पहली चीज, किडनी से फिल्टर हो जाता है, इस वजह से इसको रिनल फंक्शन टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इन्योलिन अगर हमारी बॉडी में आया इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी, तो ये बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा, मेटाबोलाइज तो होता नहीं है, तो ब्लड में आ जाएगा और सर्कुलेट होता रहेगा, और इसके बाहर निकलने का तरीका केवल यह है कि यह ब्लड जब किडनी में जाएगा तो किडनी से फिल्टर होकर के अल्टीमेटली यह यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलेगा, यही तरीका है इसका। तो जो क्वांटिटी हम इन्योलिन की बॉडी में डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए कि हमने 5 ml या 10 ml जो भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम इसका बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, अब वो वॉल्यूम कितनी देर में पूरा का पूरा यूरिन के साथ बाहर निकल आता है, इस बेस पर हमें GFR का पता चल जाएगा कि भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या चल रहा है। जो इन्योलिन हमने डाला है उसके बारे में हमें पता है, रेनल ब्लड फ्लो हमें पता है, रेनल प्लाज्मा फ्लो हमें पता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी हमें पता है। अब जितना इन्योलिन हमने डाला है अल्टीमेटली सारा यूरिन के साथ बाहर आएगा, बॉडी में तो बचेगा नहीं, ना कहीं स्टोर होगा ना कहीं मेटाबोलाइज होगा, जो डाला है सारा किडनी फिल्टर करेगा और यूरिन के साथ बाहर निकाल देगा। तो जब मान लो 10 ml डाला था और 10 ml यूरिन के साथ बाहर निकल के आ गया 24 आवर्स में या 36 आवर्स में, तो अकॉर्डिंगली हम किडनी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाते हैं, जिसको हम कहते हैं किडनी फंक्शन या रेनल फंक्शन टेस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। रेनल फंक्शन टेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल क्यों किया जा सकता है, इसके दो ही रीजन है। पहला, बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता ये कहीं भी, और दूसरा, किडनी इसको फिल्टर कर देता है। आ गई बात समझ में? तो जो भी इन्योलिन आएगा अल्टीमेटली दैट विल कम आउट ऑफ बॉडी, तो अकॉर्डिंगली हम किडनी फंक्शन टेस्ट या रेनल फंक्शन टेस्ट इन्योलिन की हेल्प से कंडक्ट करते हैं। तीन चार चीजें हैं, अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये कंपोजिटी फैमिली जो है, जैसे कि डहेलिया, उसके रूट्स और ट्यूबर में स्टोर होता है, पहली चीज। ये फ्रक्टोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है, इसमें लिंकेज बड़ा स्पेसिफिक है, beta 2-1। हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, किडनी इसको फिल्टर करता है और सारा का सारा बॉडी से बाहर निकल आता है। ठीक है, रेनल फंक्शन टेस्ट में इसको काम में लिया जाता है। तो बेटा, हमारा GFR होता है 125 ml/min, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है ना। चलो, इजी है, अब आगे चलें। ये हमारा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड वाला सेक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। बॉडी में स्टोर होने वाले पॉलीसेकेराइड हमने तीन तरह के पढ़े हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इन्योलिन। अब मैं आगे चल रहा हूं, अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड पर, ऐसे पॉलीसेकेराइड जो कि बॉडी में स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्यूलोज। इट इज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जानते हैं सेल्यूलोज सेल वॉल बनाता है, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फाइब्रस है, होमोपॉलीसेकेराइड है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का है, सेल वॉल में मिलता है, प्लांट्स में, फंगस में, प्रोटिस्ट में, इनकी सेल वॉल में अपीयर होता है। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड जब हमने लिख दिया तो इसका मोनोमेरिक यूनिट भी हमें पता होना चाहिए, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनेगा, ठीक है। कॉटन फाइबर्स में लगभग 90% के आसपास सेल्यूलोज होता है, और वुड में करीब 25-50%, वेरी करेगा कि वो कौन से स्पीसीज का वुड है, अकॉर्डिंगली उसमें सेल्यूलोज का फ्रैक्शन या परसेंटेज वेरी करेगा, 25-50%। ठीक है, ए चेन ऑफ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल कंटेन 6000 और मोर ग्लूकोज रेजिड्यूज, द सक्सेसिव ग्लूकोज रेजिड्यूज आर जॉइंट टुगेदर बाय beta 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये याद रखना है, अब हम बीटा लिंकेज पर आ गए हैं,
बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अभी मैंने कुछ देर पहले बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, या मैंने एक बात बताई थी आपको कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम रिलीज होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं एमाइलेज। जैसे आपने सुना होगा सलाइवरी एमाइलेज जिसे टाइलिन कहा जाता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, इंटेस्टाइनल एमाइलेजेस जिसके अंदर की आपके माल्टेज हैं, सुक्रेज है, लैक्टेज है, ये सब आते हैं। खैर, अमाइलेज हमारी बॉडी में जितने भी होते हैं अच्छे से याद रखना, वो सारे के सारे अल्फा एमाइलेज होते हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो सलाइवरी अल्फा एमाइलेज पढ़ेंगे, बीटा कभी नहीं पढ़ेंगे, पेनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज पढ़ेंगे। तो जब अल्फा एमाइलेज है इसका मतलब ये उन्हीं पॉलीसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं जिनमें लिंकेज कैसा था, अल्फा। बीटा लिंकेज वाले पॉलीसेकेराइड को ये एंजाइम हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएंगे। तो अल्फा लिंकेज किस किस में था बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताया, अल्फा लिंकेज था आपके स्टार्च में, अल्फा 14 था, फिर आपके ग्लाइकोजन में, इसमें भी अल्फा 14 था और अल्फा 16 भी था। मतलब अल्फा में किसी भी तरह का लिंकेज हो लेकिन वो इन दोनों में था, तो ये तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे अमाइलेज किस कैटेगरी के अमाइलेज हैं, अल्फा अमाइलेज। हमारी बॉडी में बीटा अमाइलेज सिंथेसाइज नहीं होते। पॉलीसेकेराइड वही डाइजेस्ट होंगे हमारी बॉडी में जिनमें लिंकेज कौन सा होगा, अल्फा। बीटा लिंकेज वाला कोई भी पॉलीसेकेराइड, कैप्टन अमेरिका कह रहे हैं सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे, आपका नाम तो पूरी दुनिया ले रही है कैप्टन अमेरिका। छोटे छोटे बच्चे जो दिखाई देते हैं सब कैप्टन अमेरिका बने हुए घूमते रहते हैं, किसी को पता नहीं क्या वो एक हथौड़ा सा किसी का आता है, कोई शील्ड वील्ड आता है, किसी का कुछ ढाल तलवार वगैरह कुछ ऐसे खिलौने आते हैं ना इनके बच्चों के, तो मैं तो देखता हूँ ये सब बच्चे ये इन्हीं सब चीज़ों को लेकर घूमते रहते हैं। तो आप तो बहुत फेमस हैं, आपका नाम सभी लोग ले रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब ये बात अच्छे से याद रखना, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, द आंसर वुड बी एमाइलेज व्हिच आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर एक्चुअली अल्फा एमाइलेज। ओके, चलो, नाउ सेल्यूलोज चेन्स आर अरेंज्ड इन क्लोज्ड एंटी पैरेलल फैशन, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स at position 6 of glucose residues of one molecule and glycosidic oxygen between glucose residues of the adjacent molecule. कहने का मतलब ये है कि ये जो polysaccharide chain बन रहा है, अब ये anti-parallel fashion में arrange हो गया, एक chain यहां से यहां आ गया, और ये जो एडजेसेंट यूनिट्स हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से सेल्यूलोज के फाइबर्स डेवलप होते हैं। अराउंड 2000 सेल्यूलोज चेन्स और मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए माइक्रोफाइबल विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब इस तरह के 2000 सेल्यूलोज चेन एक साथ पैक होकर एक माइक्रोफाइब्रिल बनाएंगे, फिर इन्हीं माइक्रोफाइब्रिल से क्या बनेगा, कॉटन फाइबर विच इज फॉर्म्ड ऑफ अराउंड 1500 माइक्रोफाइब्रिल्स विद ईच फाइब्रिल हैविंग 250 माइक्रोफाइब्रिल्स। आ गई बात समझ में? ये वैसी चीज है जैसे आपने रस्सी देखी होगी, जूट की जो रस्सी आती है, ठीक है, जूट की जो रस्सी आती है बनी हुई, उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं, उन रेशों को मिला करके एक पतली रस्सी बनी, फिर उन पतली रस्सियों को आपस में इंटरवीन करके एक मोटी रस्सी बनाई जाती है। ठीक इसी तरीके से सेल्यूलोज के फाइबर्स क्रिएट होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो अच्छा, एक ये चीज भी याद रख लेना, सेल्यूलोज विल नॉट रिएक्ट विद आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा ये। अब सेल्यूलोज का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आने वाली है। कल मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी, कल जब मॉर्निंग वाला सेशन हम पढ़ रहे तो रफेज और कॉन्सेंट्रेट हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि फाइबर रिच पोर्शन फूड का रफेज कहलाता है और एनर्जी रिच पोर्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेट कहलाता है, ठीक है। तो अब रफेज माने कि सेल्यूलोज,
सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, ये तो आप जान ही गए हैं, क्योंकि बॉडी में एमाइलेज कौन से होते हैं, अल्फा। लेकिन फिर भी आप ये बार बार पढ़ते होंगे कि फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, जबकि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, ये मैं अभी आपसे एक्सप्लेन करता हूं, आपको बताता हूं। अभी पहले ये चीजें पढ़ लेते हैं। सेल्यूलोज इन एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट फॉर रूमिनेंट्स लाइक काउ, बफेलो, टर्माइट्स एंड स्नेल पजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देयर गट फॉर दिस पर्पज, ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास हेल्प इन सेल्यूलोज डाइजेशन एंड दे आर फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट एंड वुड कॉकरोच रेस्पेक्टिवली। टर्माइट आप जानते हैं, दीमक, बेसिकली वुड पर ही सर्वाइव करता है। तो टर्माइट की इंटेस्टाइन में, टर्माइट के गट में एक सिम्बायोटिक माइक्रो प्रोटोजोन मिलता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोनिम्फा। इट इज ए सिम्बायोटिक प्रोटोजोन। इन द गट ऑफ टर्माइट, तो टर्माइट की गट में इसको प्रोटेक्शन मिलेगा, इसको फूड मिलेगा, और टर्माइट को क्या फायदा होगा, ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये एंजाइम बनाएगा, और ये एंजाइम क्या करेंगे, सेल्यूलोज डाइजेशन। तो दोनों को फायदा हुआ, तो ऐसा एसोसिएशन क्या कहलाया, म्यूचुअलिज्म। दोनों म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक को प्रोटेक्शन मिल रहा है प्रोटोजोन को इंटेस्टाइन में, और जो दीमक है, टर्माइट जो है, उसको इसकी हेल्प से सेल्यूलोज को डाइजेशन, सेल्यूलोज का डाइजेशन करने में सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, सेल्यूलोज इन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब कैटल, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, जिराफ, ये सारे के सारे रूमिनेंट्स हैं जिनके स्टमक में चार चैम्बर्स होते हैं, एंड दे हैव द एबिलिटी टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सेल्यूलोज, देखो ये लास्ट पॉइंट, सेल्यूलोज कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ ह्यूमन फूड, इट हैज ए रफेज वैल्यू विच कीप्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन फंक्शनल फिटनेस। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जब हमें कहा जाता है कि भाई फाइबर रिच फूड खाइए, तो उसका मतलब क्या है, देखो ये हमारा इंटेस्टाइन है, गट है, एज्यूम करो, अब हमारे इंटेस्टाइन में जो खाना हम खाएंगे उसमें फाइबर रिच पोर्शन भी होगा, तो ये जो फाइबर हैं, ये फाइबर हमारे इंटेस्टाइन में इस तरीके से मूव करते हैं, फाइबरस पोर्शन। अब ये फाइब्रस पोर्शन अगर होगा तो फायदा क्या होगा, फाइबर का डाइजेशन तो होगा नहीं, बट हाउ दे विल इंक्रीज द डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी। इन फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से एक तो मूवमेंट जो है फूड का थ्रू द इंटेस्टाइन वो धीमा होता है, स्लो, धीरे धीरे मूव करेगा, ये फंसता हुआ आएगा पूरे इंटेस्टाइन में, आ रही बात समझ में, तेजी से रैपिडली मूव नहीं कर जाएगा। और जो बाकी चीजें हैं, प्रोटीन है और फैट है, बाकी जो तरीके के कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सब इसके अंदर ही फंसे हुए होंगे, तो यहीं पर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे, फिर वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी चलता रहेगा, ग्रेजुअली ये आगे की तरफ मूव भी करता रहेगा। बात समझ में आ रही है, अगर हमारे खाने में फाइबरस पोर्शन नहीं होगा तो हमारी डाइजेशन की एफिशिएंसी बहुत रिड्यूस हो जाएगी, इस वजह से हमारे खाने में फाइबरस पोर्शन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि डाइजेशन की एफिशिएंसी, गट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, फूड कंसीडरेबल टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे जीआईटी में स्टे करे, वो रैपिडली स्लिप ना कर जाए, क्योंकि अगर तेजी से मूव करेगा तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेसेस धीमे हो जाएंगे, या हम कहें कि एफिशिएंटली नहीं हो पाएंगे। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रफेज पोर्शन। तो जो भी फाइबर रिच पोर्शन होता है फूड का, उसके लिए हम एक टर्म काम में लेते हैं, रफेज, फाइबर रिच पोर्शन ऑफ फूड, और वी कैन से डाइट। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे चलूं, जिस लकड़ी में, वुड में सेल्यूलोज की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको कागज बनाने के काम में लिया जाता है, ये सिंपल यूजेस हैं, प्रोडक्शन ऑफ पेपर।
सेल्यूलोज रिच वुड इज एम्प्लॉयड इन बिल्डिंग फर्नीचर टूल स्पोर्ट आर्टिकल्स, ये कॉमन सेंस की बातें हैं जो आप जानते हैं अच्छे से. इट इज ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल्स, कॉटन है, लिनन है, बैग बनाना है, जो मैंने बताया अभी जूट की रस्सी जो है वो बनाना है, ये सब चीजें. अब ये आखिर के तीन पॉइंट जो है ये अच्छे से याद रखने हैं आपको जो मैं अभी समझाता हूं. इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक एक बार, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन एक एक बार पूछा जा चुका है. रेयन एंड सेलोफेन आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ज़ेंथेट. इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, ये जो रेयन है. अब देखो यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी. अगर हम सिल्क की बात करें, आज सुबह वाले सेशन में ही हमने सेरिकल्चर पढ़ा था. सिल्क बेसिकली किस प्रोटीन से बना होता है? सिल्क इज मेड अप ऑफ फाइब्रोइन प्रोटीन. ओरिजिनल सिल्क प्रोटीनेशियस होता है, यहां हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल सिल्क. और आर्टिफिशियल सिल्क जो है ये रेयन, ये बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट. और ये किससे बनता है? सेल्यूलोज ज़ेंथेट. बेटा फाइबर जो हमारे खाने में होंगे 90% से ज्यादा केसेस में वो सेल्यूलोज के ही फाइबर्स होंगे. आ रही है बात समझ में? तो ये अच्छे से याद रखना, सेल्यूलोज ज़ेंथेट. दूसरा, सेल्यूलोज नाइट्रेट इज यूज्ड एज प्रोपेलेंट एक्सप्लोजिव्स, जो कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह में काम में लिए जाते हैं प्रोपेलेंट एक्सप्लोजिव्स के फॉर्म में. और कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, ये डेरिवेटिव है सेल्यूलोज के, ये इमल्सिफायर और सूदनिंग एजेंट है. इसको आइसक्रीम बनाने में काम में लिया जाता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में काम में लिया जाता है, दवाइयां बनाने में काम में लिया जाता है, जो क्रीम्स और जेलीज वगैरह जो आती हैं इनका बेस बनाने के काम में लिया जाता है. तो तीन डेरिवेटिव्स आपको सेल्यूलोज के याद रखने हैं. आई रिपीट अगेन, सेल्यूलोज ज़ेंथेट जिससे आर्टिफिशियल सिल्क बनता है, रेयन. और आर्टिफिशियल सिल्क प्रोटीन न होकर के क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट. सेल्यूलोज नाइट्रेट एक प्रोपेलेंट एक्सप्लोजिव है जो एयरक्राफ्ट्स में काम में लिया जाता है. और कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज इमल्सिफायर है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. फाइब्रोइन ही तो सिल्क प्रोटीन है बेटा, फाइब्रोइन से ही सिल्क बनता है. दो चीजें होती हैं सिल्क में, फाइब्रोइन एंड सेरिसिन. ठीक है, चलो आगे चलता हूं. ये सेल्यूलोज हो गया आपका. अब दूसरे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में आते हैं, दैट इज काइटिन. इट इज सेकेंड मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेकेराइड. पहला तो सेल्यूलोज हो ही गया, दूसरा है काइटिन. सेकेंड मोस्ट एबंडेंट क्योंकि आर्थ्रोपोड्स जितने भी हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है. ठीक है जी. इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्प्लेक्स हेटेरो पॉलीसेकेराइड विच इज फाउंड एज द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ फंगल वॉल्स एज वेल एज एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. प्राइमरीली इट इज नोन फॉर आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन. अब आर्थ्रोपोडा आप जानते हैं एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, मतलब 80% से ज्यादा स्पीसीज आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं. उन सबका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है. अब काइटिन बनता कैसे है ये आगे डिस्कस करते हैं. इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, मतलब ग्लूकोज नहीं है एग्जैक्टली, मोनोसेकेराइड का ये पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ है. पहले मोनोसेकेराइड मानी ग्लूकोज का डेरिवेटिव बना है, वो डेरिवेटिव क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. फिर इस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमराइजेशन हुआ है. अभी आपको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं. तो ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है. अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी प्रोटीन्स भी इम्प्रेगनेट हो जाएं, डिपॉजिट हो जाएं, तो इसकी फर्मनेस, इसकी रिजिडिटी, इसका जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाता है. और यहां पर भी जो जॉइनिंग लिंकेज है दैट इज बीटा 1,4. अब इसको हेटरोपॉलीसेकेराइड इसी वजह से कंसीडर करते हैं. रेजिड्यू इसमें एक ही है, अच्छे से समझना, रेजिड्यू इसमें एक ही है, दैट इज
एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, लेकिन ये जो रेजिड्यू है ये खुद भी ग्लूकोज नहीं है, ये खुद भी मोनोसेकेराइड नहीं है, मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव है, इस वजह से इसको हेटरोपॉलीसेकेराइड कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखो जरा, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ये सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सबसे पहले इसको देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको ग्लूकोज। अभी हमने सेल्यूलोज पढ़ा, तो सेल्यूलोज में तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं सारे के सारे, और ये इनके बीच में लिंकेज बन रहा है, दो ग्लूकोज के बीच में ये जो लिंकेज बन रहा है ये कौन सा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यही लिंकेज बनता जाएगा कॉन्टिन्यूअसली। अब देखो, इस ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन हुआ, या हम कहें ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन में। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का मतलब है ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है यहां, इस कार्बन पर ग्रुप आ गया है NHCOCH3, तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बन गया। अब इस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन उसी तरीके से हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, मतलब लिंकेज तो इन दोनों के बीच में बन रहा है, देखो 1,4, आ रही बात समझ में, तो लिंकेज तो वही होगा जो सेल्यूलोज में था, बीटा 1,4, लेकिन ये एग्जैक्टली ग्लूकोज नहीं है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, आ गई बात समझ में। इस वजह से इसके लिए टर्म काम में ले लिया जाता है हेटरोपॉलीमर। अब इसका स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया सबने, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आगे आते हैं हेमीसेल्यूलोज। सेल्यूलोज पढ़ चुके, काइटिन पढ़ चुके, तीसरा आ गया हमारा हेमीसेल्यूलोज। होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ डीजाइलोज लिंक्ड विद बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, दे फॉर्म लिंक बिटवीन पैक्टिक कंपाउंड्स एंड सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल। कहने का मतलब यह है कि यूजुअली जहां जहां सेल्यूलोज होता है वहां हेमी सेल्यूलोज भी होता है। सेल्यूलोज के जो फाइबर्स हैं, सेल्यूलोज के जो थ्रेड्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का, ज्वाइन करने का काम भी हेमी सेल्यूलोज का होता है। ठीक है, पैक्टिन, दे आर मेड अप ऑफ एरेबिनोज, गैलेक्टोज एंड गैलेक्टुरोनिक एसिड। ये सब डिराइव्ड प्रोडक्ट है मोनोसेकेराइड के। ये वाटर सॉल्यूबल होता है, सॉल जेल इंटरचेंज भी कर सकता है, मिडिल लेमिला में मिलता है, ये आप जानते होंगे, प्लांट्स में पढ़ा होगा आपने। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पॉलीसेकेराइड इज वाटर सॉल्यूबल, हम ये पढ़ते हैं ना, पॉलीसेकेराइड में सॉल्युबिलिटी नहीं होती बिल्कुल भी, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है पैक्टिन का। अदरवाइज पॉलीसेकेराइड बहुत बड़े साइज के होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया वेदिका आपको, एक बार वापस से लिखिए, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये रहा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये N का मतलब हो गया नाइट्रोजन से ये एसिटाइल ग्रुप कंबाइंड है, और यहां क्या लग गया था, एमिनो ग्रुप लग गया था, तो ग्लूकोज का एमिनो डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, ग्लूकोसामीन। बात समझ में आ रही है कि नहीं, और फिर उस एमीन डेरिवेटिव से एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो क्या हो गया, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको, अब समझ में आया क्या आपको वेदिका, रिप्लाई। चलो अब आखिरी इस पर आते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इनको म्यूसिलेजिनस पॉलीसेकेराइड्स भी कहा जाता है।
They are slimy substances which possess acidic or aminated polysaccharide formed from galactose, mannose, sugar derivatives and uronic acid. Slimy substance ka matlab hota hai slippery, chikne. जैसे आपने मेढक है तो मेढक की स्किन जो है बिल्कुल चिकनी होती है, स्मूथ होती है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, स्लिप हो जाएगा हाथ से. क्यों होती है? क्योंकि उसकी पूरी स्किन पर किसका कवर होता है? म्यूकस. उसके स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, तो म्यूकस का कोट होता है. और म्यूकस में क्या होता है? म्यूकस किसका एग्जांपल है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का. तो जहां जहां म्यूकोपॉलीसेकेराइड होगा, जो भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड होगा, वो स्लाइमी सब्सटेंस होगा, स्लिपरी सब्सटेंस होगा. ठीक है, they are found inside plant cell walls, outside the cell bodies of bacteria, blue green algae and many aquatic plants. कई जगहों पर ये मिलते हैं. इनके कुछ एग्जाम्पल जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. जैसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड अकरिंग इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. म्यूसिलेज प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट रॉटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, प्रिवेंट द डेसिकेशन, ग्रोथ ऑफ एपिफाइट्स एंड अटैक ऑफ पैथोजन. इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करेंगे. अगर म्यूकस का, म्यूसिलेज का कवर है तो वो उसको सड़ने से बचाएगा, रॉटिंग से बचाएगा, कोई अटैक हो रहा है उससे उसको रोकेगा, प्रिवेंट करेगा. ठीक है, डेसिकेशन कहने का मतलब डिहाइड्रेशन से उसको बचाएगा, वाटर लॉस को मिनिमाइज करेगा. ये सारे के सारे फंक्शन हो गए जो बैक्टीरियल सेल वॉल और ब्लू ग्रीन एल्गी में है. वाटर इज हेल्ड इन द इंटरस्टीशियल स्पेस ड्यू टू म्यूकोपॉलीसेकेराइड. आपने पढ़ा होगा हमारे टिश्यूज के बीच में जितना भी स्पेस है, दिस एंटायर स्पेस इज नोन एज इंटरस्टीशियल स्पेस. उस स्पेस में भी हाइलुरोनिक एसिड होता है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड. तो कोई भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड होगा, उसको उसकी कैपेसिटी होगी वाटर को होल्ड करने की, वाटर होल्ड कर पाएगा वो. दे प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन इन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जहां पर बोन टू बोन कनेक्शन हो रहा है लिगामेंट, या फिर बोन टू मसल कनेक्शन हो रहा है टेंडन का, तो उस एरिया को ये ल्यूब्रिकेट करते हैं चारों तरफ से, जिससे फ्रिक्शनल डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके. ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड जैसा कि मैंने बताया आपको, सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन एनिमल सेल एज वेल एज इनसाइड सेल कोट. इट ऑल्सो अकर्स इनसाइड बॉडी फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक विट्रस ह्यूमर ऑफ आई, साइनोवियल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एटसेट्रा. हमारी बॉडी में जहां जहां इंटरस्टीशियल सब्सटेंसेस हैं, वहां हाइलुरोनिक एसिड होता ही है एज ए सीमेंटिंग मटेरियल. आपको अगर याद हो तो हमने रिप्रोडक्शन एम्ब्रियोलॉजी वाले सेक्शन में ये पढ़ा था कि ये हमारा सेकेंडरी ऊसाइट है, इसके चारों तरफ पहला मेम्ब्रेन मिलता है जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा. ये दो मेम्ब्रेन मिलते हैं, और ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल दिख रहे हैं आपको बच्चों, कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच में ये जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है जो इनको जोड़े रखता है, दैट इज नथिंग बट हाइलुरोनिक एसिड. ये बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा, अंदर की तरफ जोना पेल्यूसिडा. आपको याद हो तो हमारे जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है, उसमें तीन एंजाइम रिलीज होते हैं. जोना लाइसिन जो जोना पेल्यूसिडा को खत्म करेगा, डिसॉल्व करेगा, सीपीई कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो इन सेल्स को डिसॉल्व करेगा, और एक और एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज जो इन सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल हाइलुरोनिक एसिड उसको डिसॉल्व करेगा. तो आपको यह याद रखना है कि बॉडी में मल्टीपल लोकेशंस पर हाइलुरोनिक एसिड एज ए सीमेंटिंग सब्सटेंस आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड का ही एग्जाम्पल है. केराटिन सल्फेट जो कि स्किन में अपियर होता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है. म्यूकोपॉलीसेकेराइड के काफी एग्जाम्पल हैं. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये आपने कार्टिलेज में पढ़ा था. मरीन एल्गी ऑल्सो नोन एज सीवीड यील्ड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगार, एल्गेनिक एसिड, काफी सारी चीजें मिलती हैं. अगार जिससे कि मीडियम बनाया जाता है, जिस पर कि बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करती हैं. ठीक है ना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड हेपेरिन जो कि एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है. हस्क ऑफ प्लेंटेगो ओवाटा कंटेन्स म्यूसिलेज विच इज यूज्ड मेडिसिनली इन ट्रीटिंग इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ऑल्सो नोन एज परगेटिव्स.
देखो बच्चों, पर्गेटिव टर्म कहीं भी मिल जाए आपको, पर्गेटिव टर्म का मतलब होता है जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करे, इंटेस्टाइन की मोबिलिटी को इंक्रीज करे, डिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, फीसिस को लिक्विफाई करे, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? पर्गेटिव्स के। तो ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, हस्क ऑफ प्लेंटेगो ओवाटा, ये सब गोल आपने सुना होगा, कब्ज वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट भी चलते रहते हैं। तो ये सब गोल में क्या होता है? ये, एंड इट ऑल्सो इज अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ यूजेस हैं, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस स्लाइड पर जो कि आपके काम आएगी। चलो, तो ये कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन अब हम कंक्लूड करते हैं। अब आते हैं प्रोटीन पर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कार्बोहाइड्रेट को जल्दी से आपको एक रिकैप दे देता हूं। कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीन चीजें। एम्पिरिकल फॉर्मूला CnH2nOn। एक बार के लिए सारी चीजें आपको जल्दी से समझा दूं, क्या क्या पढ़ाया। देखो हमने मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद एम्पिरिकल फॉर्मूला CnH2nOn, या इसी को हम लिख सकते हैं CnH2on। और अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको तो हम ये भी कह सकते हैं दैट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है जी। अब कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होते क्या हैं? व्हाट आर दे, डिफाइन कैसे करेंगे? दे आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल्स ऑफ ईदर एल्डिहाइड और वी कैन से कीटोन। फिर हमने इसकी तीन कैटेगरीज पढ़ी थी, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, लास्ट लिमिट है, ये ट्रायोज से लेके हेप्टोज तक वेरी कर सकते हैं कार्बन नंबर के बेस पर। ऑलिगोसैकेराइड आपके डाई सैकेराइड से लेकर के और ऑक्टा मतलब हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नैनोसैकेराइड तक जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल डाई और ट्राईसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में फिर हमने दो टाइप पढ़े, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल। स्टोरेज में हमने स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन पढ़ा। स्ट्रक्चरल में हमने सेल्यूलोज, काइटिन, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन पढ़ा। ठीक है जी। और फिर आखिरी चीज हमने पढ़ी म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये सारा का सारा आपका कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन कंक्लूड होता है। अभी लिपिड पढ़ाया नहीं है बेटा, लिपिड में अभी आएंगे हम। ठीक है, अभी तो हमने कार्बोहाइड्रेट पूरा किया है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं पहले। देखो तो तीन प्रिंसिपल बायोमोलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। इनमें प्रोटीन जो है, इट इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट डाइवर्सिफाइड बायोमोलिक्यूल, मतलब सबसे ज्यादा फॉर्म्स में अपीयर होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें हमारी बॉडी में तो या तो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलेगा, ज्यादातर ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं मिलेगा तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मिलेगा, इक्का दुक्का जगह कोई और फॉर्म पे मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है। लिपिड की बात करें तो वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में, और कहीं नहीं मिलता। प्रोटीन जो है वो इतने ज्यादा फॉर्म्स में मिलता है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बॉडी में जितने एंजाइम है सारे प्रोटीन के बने हैं। 70% से ज्यादा हार्मोन हमारे प्रोटीनेशियस हैं, कोई भी हार्मोन हम पिक कर लें। एंटीजन जितने सरफेसेस पर होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीनेशियस होते हैं। आ रही है बात समझ में? हमारा स्किन है, स्किन में केराटिन प्रोटीन है,
जो आउटर मोस्ट लेयर हेयर्स हैं उसमें केराटिन प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है वो इतने ज़्यादा फॉर्मेट्स में अपीयर होता है बॉडी में कि इसको हम कहते हैं मोस्ट डाइवर्सिफाइड बायोमोलिक्यूल। तो कुछ चीज़ें हम पहले इसके बारे में पढ़ें। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन एक बार, इसी वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है इसमें कॉन्टेंट में। बर्जीलियस कॉइंड द टर्म प्रोटीन, ये एक बार एग्जाम में पूछा जाएगा हु कॉइंड द टर्म प्रोटीन। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड इनके मोनोमेरिक यूनिट होते हैं और जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो जो लिंकेज बनेगा उसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये कैसे बनता है इसको अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। नाउ प्रोटीन इज ऑलवेज ए हेटरोपॉलीमर, प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं हो सकता। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर, मतलब सेल्यूलोज जो है वो केवल ग्लूकोज के यूनिट्स के जुड़ने से बनता चला जाएगा। प्रोटीन में ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जिसमें सिंगल टाइप के अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हो जाए। इस वजह से जितने भी प्रोटीन्स हैं एसेंशियली दे ऑल आर हेटरोपॉलीमर्स। ठीक है, कॉलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड रुबिस्को, ये दोनों चीजें पूछी जा चुकी हैं, दैट इज राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो मिलता है दैट इज रुबिस्को, और एनिमल ओरिजिन में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है दैट इज कॉलेजन। ठीक है, सिंपल बातें हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक जल्दी से। बर्जेलियस कॉइंड द टर्म प्रोटीन, मैं रिपीट कर रहा हूं, अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनेंगे, जब पॉलीमराइजेशन होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड कैसे बनेंगे अभी समझाऊंगा आपको, और प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटरोपॉलीमर। कॉलेजन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है एनिमल में, एनिमल वर्ल्ड में, और रुबिस्को पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। ओके, फिर जैसे मैंने आपको बताया ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अलग अलग एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड हर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ स्लाइड पर आपको जो भी कुछ लिखा हुआ मिलेगा आप ये मान के चलिए उस पर कभी ना कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अननेसेसरी कंटेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक एक पॉइंट ठीक से समझते जाइए। प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट एंड मोस्ट वेरीड ऑफ ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल विच कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ देयर ड्राई वेट। जैसा कि मैंने बताया सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड बायोमोलिक्यूल, सबसे ज्यादा फॉर्म्स में अपीयर होगा। टोटल टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन मैन इज अराउंड 5 मिलियन। हमारी बॉडी में 50 लाख के आसपास अलग अलग तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं। इकोलाई जो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, उसमें भी 3000 के आसपास अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स अपीयर होते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन इज ACTH, दैट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 4500। दे आर रिलेटिवली लेस सॉल्यूबल इन वाटर एंड दे फॉर्म कॉलोइडल सॉल्यूशन इन जनरल। ये यूजुअली कॉलोइडल सस्पेंशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन या फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ये टर्म आपने सुना होगा। तो बच्चों प्रोटीन बनते हैं किससे? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, एक तो एसेंशियल अमाइनो एसिड, एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये क्या होते हैं अभी बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। अब ऐसे प्रोटीन्स, अच्छे से सुनना, ऐसे प्रोटीन्स जिसमें कि एनिमल प्रोटीन्स आर कंप्लीट प्रोटीन्स व्हाइल प्लांट प्रोटीन्स आर जनरली लैक वन और द अदर एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो कंप्लीट प्रोटीन उसे कहेंगे, फर्स्ट ग्रेड प्रोटीन या फर्स्ट क्लास प्रोटीन उसे कहेंगे जिसमें सारे 20 अमाइनो एसिड्स अपीयर होते हों, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, कोई भी अमाइनो एसिड जिसमें कम ना हो। मतलब होता क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी ये 50 लाख तरह के प्रोटीन जो अभी आपने देखा यहाँ पे डिजिट, ये 50 लाख टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए केवल 20 टाइप के अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स।
इन 20 अमाइनो एसिड्स में से 10 तो हैं एसेंशियल, 10 हैं नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल हैं उनमें से फिर दो सेमी एसेंशियल हैं, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी प्रोटीन में 20 के 20 ये अमाइनो एसिड मिल जाएं तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब वो बॉडी में किसी भी तरह के प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। और अगर किसी में कोई अमाइनो एसिड कम है पर्टिकुलर, तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाएगा। एक बात तो हुई ये, ठीक है। अब चलिए अमाइनो एसिड के बारे में समझते हैं। देखो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। किसी भी अमाइनो एसिड पर एक एमिनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक एलिफेटिक ग्रुप होगा। अब ये ग्रुप वेरी करता जाएगा और अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड के टाइप चेंज होते जाएंगे। आ रही है बात समझ में? जैसे अगर मैं R की जगह H कर दूं, जो सबसे सिंपल फॉर्म हो गया, तो ये आपका सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हो गया जो पॉसिबल है, दैट इज ग्लाइसिन। आ रही है बात समझ में? अब अमाइनो एसिड जो है ये, इसकी खास बात क्या है? अभी तो ये दिखाई दे रहा है अनायोनाइज्ड। जब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में आएगा तो क्या पोजीशन हो जाएगी? ये तो अनायोनाइज्ड फॉर्म है इसका, और ये इसका आयोनाइज्ड फॉर्म है। आयोनाइज्ड फॉर्म में आप देख रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक साथ हैं, जिसको हम कहते हैं ज्विटर आयन इफेक्ट। आ रही है बात समझ में? ये ज्विटर आयन इफेक्ट कहलाएगा। अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स और ज्विटर आयन्स और बाइपोलर आयन्स बिकॉज ऑफ द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप्स एंड दस हैव बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। ग्लाइसिन, जैसा कि मैंने बताया, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन हैव इमिनो ग्रुप, एनएच ग्रुप होता है इंस्टीड ऑफ एनएच टू, तो इनको इमिनो एसिड भी कह देते हैं। ये टर्म भी काम में ले लिया जाता है प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन के लिए। अब ये जो आर ग्रुप है इस पर डिपेंड करेगा। देखो बेसिक स्ट्रक्चर तो हो गया आपका ये। अब ये जो R है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, इस बेस पर अमाइनो एसिड के नेचर इतने सारे हो जाएंगे। जैसे न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, हेटरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड, कई कैटेगरीज में हम अमाइनो एसिड्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सब पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूजुअली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो हुआ है सल्फर कंटेनिंग पर, कि कौन कौन से अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग है। तो सल्फर कंटेनिंग के एग्जांपल है सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथियोनिन। न्यूट्रल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन एंड ल्यूसिन। एसिडिक अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक है आपके आर्जिनिन और लाइसिन। एल्कोहलिक है सेरीन एंड थ्रियोनिन। एरोमेटिक हैं आपके फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और हेटरोसाइक्लिक हैं आपके हिस्टिडीन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन। इस स्क्रीन का, इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखिए, क्योंकि टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पूछे जाते हैं। ले लिया सबने? सल्फर कंटेनिंग पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एल्कोहलिक पर भी एक दो बार पूछा गया है। ये तो आप जैसे फिनाइल ग्रुप आ गया है तो फिनाइल एलेनिन नाम है तो आप अपने आप डिराइव भी कर लेंगे कि ये ठीक है, एरोमेटिक है। हेटरोसाइक्लिक पर एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्टिडीन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। पर ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये इनके केमिकल नेचर के बेस पर है, जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड टोटल कितने हैं, ट्वेंटी। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं वो सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। अब इन अमाइनो एसिड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। अब ये डिवीजन किस बेस पर हुआ समझना। नॉन एसेंशियल का मतलब जिनकी प्रेजेंस हमारे खाने में जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एंड नॉट नीडेड इन डाइट, ये खाने में प्रेजेंट हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं हमारे 10। एसेंशियल अमाइनो एसिड जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एंड देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल इन द डाइट एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज एसेंशियल। ये भी होते हैं 10। अमूमन एसेंशियल अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पहले आप इस लिस्ट को देखिए जरा। 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड, वेलिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। इनमें दो हमने रेड कलर से लिखे हुए हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, जिनको हम कहते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। सेमी एसेंशियल इस वजह से क्योंकि अर्ली एज में तो ये खाने में चाहिए हमें, लेकिन जब हमारी एज बढ़ जाती है उसके बाद ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होने लगते हैं। तो एडल्ट के लिए अगर आपसे एसेंशियल अमाइनो एसिड पूछे जाते हैं तो वो 10 की जगह कितने हो जाएंगे, 8। अब ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है ये आपको याद रखना है। इसको याद करने के लिए आप एक काम कीजिए, जैसे हमने ये जो याद किया था ये इस तरीके से किया था, हमने ये फॉर्मूला याद कर रखा था एक, दैट इज विम टॉल पाथ। इसी सीक्वेंस में मैंने इनको लिखा है, V फॉर वेलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथियोनिन, दैट इज विम, ट्रिप्टोफेन T, आर्जिनिन A, ल्यूसिन एंड लाइसिन दैट इज टी ए एल एल का एल एल, और फिर P और A दैट इज फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन, दैट इज पाथ। तो ऐसा एक सीक्वेंस अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और इनको याद कीजिए, ठीक है ना। और आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है ये आपके सेमी एसेंशियल हो गए। सेमी एसेंशियल क्यों हो गए? इन अर्ली एज दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी बट इन एडल्ट्स दे आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है जी, बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक जल्दी से। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें क्लियर हैं अब आपको अमाइनो एसिड के बारे में। अब ये अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, फिर प्रोटीन कितने टाइप के होंगे, स्ट्रक्चरल बेस पर बात करेंगे तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, क्वार्टरनरी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन अब हम करेंगे बच्चों मंडे को, क्योंकि
कल आपका जो सेशन होगा दैट विल बी क्विज। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा 11th का टॉपिक चल रहा है ये, तो अब कल जो क्विज होने वाला है उस क्विज में आपको टैक्सोनॉमी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एनिमल टिश्यूज के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको कॉकरोच के यूनिट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तीनों यूनिट्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको थोड़े थोड़े, तो कल उसको 3 बजे वाले सेक्शन में सॉल्व करेंगे। और मॉर्निंग में जो क्विज होगा आपका 11 o'clock, उसमें भी यही सीक्वेंस रहेगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से लेके और फिर एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा है उस सारे पोर्शन में से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट इज ऑल फॉर टुडे, गुड डे एंड गुड बाय। जाने से पहले हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट। इस वीडियो के बाद आपको एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसे आपको ज़रूर भरना है, 20-30 सेकेंड लगेंगे लेकिन उसको फिल कर देना, जिससे कि हमारे पास एक फीडबैक आए और कुछ हम इम्प्रूव कर पाएँ आपके बेनिफिट के लिए, और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं, क्या काम किया जा सकता है, इसका थोड़ा सा एक हमें आइडिया मिलेगा। और अनअकैडमी प्लस को जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओके, गुड डे एंड गुड बाय।